Hello everyone, how are you all? I am Alok. Today we are going to start chapter 5 of your geography section, that is the hydrosphere. अब हमारे अर्थ को वाटरी प्लेनेट कहते हैं. आपको पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है. और जब वाटर इतनी सारी क्वांटिटी में हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, उसकी वजह से जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखती है. इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. अब जो वाटर फाउंड किया जाता है अर्थ पे, वो मिलता है हमें ओशियन से, सी से, बेस से, गल्फ, लेक और रिवर्स एक्सेट्रा में. वाटर जो है वो अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, जो कि ग्रेटर पार्ट्स में अर्थ को कवर करता है. तो ये सब जो सरफेस है जहाँ जहाँ पे हमें वाटर पाया जाता है, उससे कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर. अब हम बात करेंगे वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की. तो आपको पता है कि जो वाटर है वो थ्री फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो जब ये वाटर ओशियन से एवोपरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में आता है, फिर कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो होती है. ठीक है, कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है कि जो वाटर है वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में आ जाए समुद्र वगैरह से, फिर वो कूल होता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि वही जो एटमॉस्फेयर में वाटर आया है एयर के थ्रू, वाटर वेपर के फॉर्म में, अब वो कूल होकर क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है या फिर अदर. फिर प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि रेन होती है या फिर स्नोफॉल होता है. तो ये प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है और ये जो प्रोसेस है वो अगेन एंड अगेन चलती रहती है. ठीक है, और जो वाटर है वो सेंचुरी से ऐसी साइकिल होता रहता है, रिसाइकल होता रहता है. इससे ही हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. ओके, या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं इसे. अब हम बात करेंगे फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर की. तो अर्थ सरफेस जो है 70% टोटल एरिया जो है वाटर से कवर्ड है. ठीक है, जैसा कि हमें पहले ही पता है, इसमें से 96.5% जो वाटर है वो साल्टी ओशियन वाटर, मतलब कि समुद्र में पाया जाता है खारा पानी. 96.5% रिमेनिंग जो बचता है हमारा 2.5% वो है हमारा फ्रेश वाटर. उसमें से भी जो 68.7% है वो आइस के फॉर्म में है या माउंटेन ग्लेशियर के फॉर्म में है. अब जो 30% है, 2.5% फ्रेश वाटर का जो 30% है वो ग्राउंड वाटर है और रिमेनिंग जो 1.2% है वो सरफेस वाटर है. ओनली 0.02 वाटर जो है वो कंजप्शन बाय प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, अब हम बात करें सी वाटर की. तो उसमें अप्रॉक्स 35 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम कंटेन होता है. ठीक है, अब सैलिनिटी की बात करें तो ये प्लेस टू प्लेस अलग अलग है, मतलब खारापन जो है जगह जगह के हिसाब से अलग अलग, जगह ज़्यादा खारापन पाया जाता है, कहीं कम खारापन पाया जाता है. अब जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डेड सी, वहाँ पे जो सैलिनिटी है, खारापन है, वो बहुत ज़्यादा है. ये 250 किलोग्राम पर लीटर है. जबकि अगर बात करें जहाँ एवोपरेशन जो है वो लोअर है, वो जैसे कि बाल्टिक सी, यहाँ पे जो सैलिनिटी है, खारापन है, वो 4 ग्राम पर लीटर है. अब ऐसे हम अगर जहाँ पे जैसे हम बात करें डेड सी की, जहाँ पे ज़्यादा खारापन होता है पानी में, ज़्यादा सैलिनिटी होती है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो डेंस होता है. तो इसी की वजह से जो स्विमर है वो डेड सी पे आराम से तैर लेते हैं स्विमिंग के लिए कोई अटेम्प्ट किए बिना, क्योंकि वहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है. आप भी उस वाटर में कूदोगे तो एकदम से नहीं डूबोगे. ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है. अब हम बात करेंगे मेजर वाटर बॉडीज़ की. तो वाटर बॉडी जो है वो एक ही है, काफ़ी बड़ी है, बीच में उसके कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन उसे ही हमने 5 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिन्हें ओशियन बोलते हैं. जैसे पैसिफिक ओशियन, एंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन. अब इसी के एडिशन में नंबर ऑफ सीज, बेस और गल्फ डिवाइड किए गए हैं, मतलब कि बड़ा पार्ट है ओशियन, फिर उसमें से हमने उसको डिवाइड कर दिया है सीज में. सीज क्या होता है, ये मतलब ओशियन से एक छोटा पार्ट होता है, इसमें भी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. फिर उसको अगेन डिवाइड किया है सी को हमने गल्फ में, फिर उसके बाद बे में. जैसे आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, अरब खाड़ी, तो ये क्या है, बे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ अरब. ओके, अब जो आप मैप देख रहे होंगे इसमें आप देख सकते हैं कि सदर्न ओशियन जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे है, फिर इंडियन ओशियन जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दिख रहा है आपको, वो इंडियन ओशियन है. फिर पैसिफिक ओशियन जो कि एशिया के आपको राइट साइड दिख रहा है, आर्कटिक ओशियन जो एशिया के ऊपर दिख रहा है,
एंटार्कटिक ओशियन जो अफ्रीका के आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, और पैसिफिक ओशियन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड में आपको दिख रहा है। तो ऐसे फाइव ओशियंस में हमने डिवाइड किया है अपने जो वाटर बॉडीज हैं उनको। ओके, अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर की। आप जानते होंगे कि रिवर्स वाटर, जैसे रिवर है और या फिर ओशियन का वाटर है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। अब ये मूवमेंट वर्टिकल भी हो सकता है, ओके, मतलब ये साइड से लेफ्ट टू राइट, या फिर हॉरिजेंटल भी हो सकता है, अप टू डाउन। तो जो अर्थ रोटेशन है, विंड्स हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर है और सैलिनिटी है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो अर्थ जो सॉरी ओशियन है उसमें मूवमेंट होता है। अब ओशियन को हम डिवाइड करते हैं थ्री कैटेगरी में। पहला तो आता है वेव्स, मतलब कि लहरें, दूसरा टाइड्स, आपने सुना होगा ज्वार भाटा, और तीसरा है करंट। अब वेव्स क्या होती हैं? तो जो हॉरिजेंटल मोशन ऑफ वाटर होता है अप टू डाउन, उसकी वजह से वेव्स आती हैं, मीन समुद्र में जो लहरें हैं वो उठती हैं। अब जो टॉप पार्ट होता है वेव का उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। और जो वेव लेंथ और ट्रफ के बीच में, सॉरी, जो आपका क्रेस्ट है और ट्रफ है उसके बीच की जो हाइट है उसको हम वेव हाइट बोलते हैं, ओके, या फिर वेव लेंथ बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम इस पे कि वेव जो है वो केवल सरफेस पे आती है ना, केवल सरफेस जो है वहाँ तक ही सीमित रहती है, ज़्यादा गहराई तक नहीं रहती है। नॉर्मल डेज में ये एक बहुत ही स्मॉल रहती हैं, ज़्यादा लहरें नहीं उठती हैं, लेकिन जब कोई स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो आपने देखा होगा लहरें कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जैसे इनॉर्मस वेव की बात करें तो उसमें सुनामी आपने सुना ही होगा, है ना, ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। जैसे इंडियन ओशियन में दिसंबर 26, 2004 में सुनामी आई थी, ओके, इसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया म्यांमार श्रीलंका और थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी, ओके, तो इसके बारे में एक केस स्टडी भी दी हुई है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइड्स की। तो जो टाइड्स हैं वो राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर है ना, जो कि 24 घंटे में दो बार होता है। अब जो टाइड्स है उसका टाइम इंटरवल होता है 12 आवर्स टू 25 मिनट्स, ओके। टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून, मतलब कि जो अपना मून है उसकी वजह से, जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से पानी जो है ऊपर नीचे होता है, ओके, और कभी कभार सन के ग्रेविटेशन की वजह से ये होता है। अब जो वाटर है वो जब अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है तो उसे हाई टाइड बोलते हैं, और जब ये अपने लोवेस्ट लेवल पे होता है ऐसे लो टाइड बोलते हैं। अब जो करंट हाई टाइड है वो इतना पावरफुल है कि मतलब वो काफ़ी ऊपर तक पानी को ले जाता है ना। और जो टाइडल करंट है, अदर साइड बात करें हम, तो जब इसका मतलब लो टाइड पे जाता है तो आप समुद्र में चल भी सकते हैं। जैसे गोपालपुर उड़ीसा में फिशरमैन जो हैं वो लो टाइड के टाइम 4 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर तक चले जाते हैं मछली ढूंढने के लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो पहला होता है स्प्रिंग टाइड। इसमें क्या होता है, सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि पूर्णिमा है ना, कि जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो तब जो टाइड है वो मैक्सिमम हाइट पे होती है, मतलब इस टाइम हाई टाइड होती है। उसके बाद सेकंड है नीप टाइड। नीप टाइड में क्या होता है कि जो सन है और अर्थ है और मून है उनके बीच में राइट एंगल बनता है, मतलब कि सर जो अर्थ है उसके साइड में मून हो और फ्रंट में सन हो, तो उसको नीप टाइड बोलते हैं। इस टाइम जो है ये अपना लोअर टाइड में होता है। अब हम बात करेंगे ओशियन करेंट्स की। तो ओशियन करेंट्स क्या होते हैं कि स्ट्रीम ऑफ ओशियन वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन डेफिनेट डायरेक्शन कॉल्ड ओशियन करेंट, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जो वाटर है वो मूव कर रहा है तो उसे बोलते हैं ओशियन करेंट। ये नॉर्मली स्विफ्ट करता है, डीप या नैरो भी हो सकता है, और इसकी रेंज जो है वो 2 से 10 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। विद इन द ओशियन अगर बात करें तो इसे हॉरिजेंटल और वर्टिकली भी जो है वो मूव कर सकता है, और ये एक सर्कुलेशन सिस्टम ओशियन में क्रिएट करता है, और साथ में लो एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड और डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन तक एक्सचेंज होती है इसमें से हीट, तो इसे ही हम ओशियन करंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करंट की। तो इसमें सबसे पहले आता है वार्म करंट। वार्म करंट क्या है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड ऑफ हाई टेम्परेचर टू द हाई एल्टीट्यूड ऑफ लोअर टेम्परेचर।
कॉल्ड वार्म वार्म करंट, मतलब कि जब हाई टेम्परेचर से ये हाई एल्टीट्यूड की तरफ लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है, इसे वार्म करंट बोलते हैं। फिर इसकी तरह होता है कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड ऑफ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से ये लो एल्टीट्यूड ऑफ हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है, तो इसे कोल्ड करंट बोलते हैं, जैसे कोल्ड लैब्राडोर करंट। अब जो ओशियन करंट है वो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर से मूव होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, जो कि सदर्न हेमोस्फेयर तक जाता है। फिर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है ये, और सदर्न हेमोस्फेयर से नॉर्दर्न हेमोस्फेयर की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा वेदर है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं।